वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की जबरदस्त हार हुई। सेमीफाइनल में 18 रनों से टीम इंडिया हार गई। हर किसी के निशाने पर धोनी आ गए। धोनी के संन्यास को लेकर लगातार अटकलें चल रही है कि क्या धोनी संन्यास लेने जा रहे हैं, क्या धोनी ने मन बना लिया है, क्या धोनी कुछ सोच रहे हैं। इस तरह की बातें लगातार आ रही है, लेकिन अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं BCCI का आधिकारिक बयान, जिस बयान के बाद ये साफ हो जाएगा कि धोनी अगला क्या कदम उठाएंगे। दरअसल धोनी के संन्यास की अटकलों के बीच BCCI के कार्यवाहक अध्यक्ष CK खन्ना और COA डायना इडुल्जी का बयान आ गया है। उन्होंने कहा कि विश्व कप विजेता कप्तान ने टूर्नामेंट में दिखा दिया कि उनमें अभी भी काफी क्रिकेट बचा है। डायना इडुल्जी ने कहा कि टीम अच्छा खेली, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैच दूसरे दिन तक खिंच गया। शुरू में गंवाए 3 विकेटों ने टीम को बुरी तरह से बैकफुट पर ला दिया। इसके बाद जडेजा और एमएस धोनी ने अच्छी वापसी कराई। ये बहुत करीब का मामला बन गया था। जडेजा और धोनी ने जैसा प्रदर्शन किया वो काबिल-ए-तारीफ रहा है। आगे उन्होंने कहा कि वो इस पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह से खेला है मैं उनकी प्रशंसा करूंगी। संन्यास लेने का उनका व्यक्तिगत फैसला होगा, केवल वही ये निर्णय ले सकते हैं और उसका शरीर ही उसे बता सकता है कि मुझे अब भी लगता है कि उसमें अभी काफी क्रिकेट बचा है। टीम में युवाओं को अब भी उनके मार्गदर्शन की जरूरत है। CK खन्ना ने कहा कि एक कठिन मैच था और मुझे लगता है कि हमारे खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। कोई भी नहीं चाहता कि एक मैच गंवाएं। हर खिलाड़ी ने सचमुच अच्छी कोशिश की, लेकिन यह हमारा दिन नहीं था। ऐसे में समझा जा सकता है कि BCCI ने साफ तौर पर कह दिया कि धोनी में अभी काफी क्रिकेट बचा है और अभी धोनी अपने संन्यास पर खुद ही फैसला लेंगे। BCCI की तरफ से उन्हें कोई प्रेशर नहीं दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं को अभी उनकी जरूरत है। इस वीडियो पर आप अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हेडलाइंस स्पोर्ट्स को अभी सब्सक्राइब कीजिए।